हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलम वेल्डिंग वर्ल्ड में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक मेन गेट रखा हुआ है जो आज की वीडियो में काफी यूनिक और काफी बढ़िया होने वाला है। दोस्तों इसका साइज है 5, ये पल्ला ओनली 5 फीट का है और इसका एक और पल्ला बनने वाला है जो कि 5 फीट का होगा। टोटल ये 10 फीट का गेट है और इसकी हाइट जो 6.5 फीट है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने काफी बढ़िया और काफी यूनिक डिजाइन बनने वाली है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट कल हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको कंप्लीट हो जाएगा आपको इसको कंप्लीट फोटो थंबनेल पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी यूनिक और काफी बढ़िया डिजाइन है, ये ओनली पाइप में बना हुआ है और काफी यूनिक डिजाइन है इसमें। यहाँ पे छोटी छोटी कटोरी लगी है तो मैं आपको इसका पास से व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से लेहर डिजाइन में। पहले तो दोस्तों मैं आपको इसका एल्बम दिखा देता हूँ जो कि एल्बम में बनी हुई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एल्बम रखी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला एसएस में दरवाजा बना हुआ है लेकिन हमें इसे कस्टमर ने बोला है कि मुझे इसे लोहे में बनवाना है, ये की यही डिजाइन। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसका व्यू आएगा। तो हमें इसे आप देख सकते हैं इसका पेज नंबर 36 है और ये 19 नंबर पे दरवाजा बना हुआ है। तो इस टाइप का हमें लोहे में दरवाजा बनाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला हमको दरवाजा बनना है। आप ये सेकंड पल्ला इसका नीचे देख सकते हैं जो कि बन रहा है, ये इसका सेकंड पार्ट है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों काफी देख सकते हैं इसके सरिये का जो लुक है काफी बढ़िया है, देख सकते हैं। मैं आपको इसका पास से व्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि आप दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1.5x1.5 का एक पाइप लगा हुआ है जो काफी हैवी और काफी मजबूत है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1x1 का 1 इंच पाइप हम जिसे बोलते हैं वो लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो ये गोलाई हम डिजाइन देते हैं, यहाँ पे इसके कट वगैरह लगे रहते हैं जो इसे कट देकर हमें देनी पड़ती है। यहाँ पे ये सब दूर ऐसे कट लगे रहते हैं जो इसे डिजाइन में देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 20 इंच की एक पत्ती में रिंग बनी हुई है जो काफी इसको यूनिक और काफी लुकिंग बनाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 1/2 इंची पाइप बेंड पाइप इसे बोलते हैं हम, लेकिन हमने इसे बेंड कर दिया है। हमने इसे एक हथौड़ी आती है लकड़ी की, उस लकड़ी से हथौड़ी से हमने इसको बेंड करके काफी यूनिक और काफी ऐसे मतलब फुल टाइप डिजाइन में बना दिया। और नीचे आप देख सकते हैं जो कि सरिये हैं ऐसे सी आकार में लगे हुए हैं जो काफी यूनिक इसको डिजाइन दे रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसके पीछे एक ग्रीन शीट लगने वाली है जो काफी इसको बढ़िया लुक देगी और जब ये डिजाइन ज्यादा हाईलाइट होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कटोरी भी लगी है जिसे 1 इंची कटोरी हम बोलते हैं। इसका ग्राइंडिंग वगैरह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये सब जॉइंट वगैरह कंप्लीट लगा हुआ है। यहाँ पे इसे कुछ ये फूल का बीच का जो आकार होता है उसको इस टाइप से ये बना हुआ है, काफी यूनिक बढ़िया डिजाइन दे रखा है। और नीचे भी आप देख सकते हैं 1x1 का पाइप लगा हुआ है, उस पर कटोरी लगी हुई है। दोस्तों इसके साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चैनल आने वाली है, उस पर पिनों पर लगाएगा दरवाजा तो इससे चैनल बनेगी, चैनल उसको दीवार में ग्राउटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये पिन पर जो रहते हैं मैं आपको पिन दिखा देता हूँ, पिन किस टाइप की होती है। दोस्तों कुछ इस टाइप की है पिन होती है, इसके अंदर एक फेरस रोड आती है जो कि इसके अंदर जाती है और फेरस रोड पर ये चलती है। जो दोस्तों इसे ग्राउटिंग होके यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमता है तो ये दरवाजा मूवमेंट करता है, ये लेफ्ट राइट दोनों अंदर बाहर दोनों साइड में खुल जाता है। दोस्तों ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको ऐसा इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से इसका व्यू आएगा। ग्रीन शीट पीछे की साइड में लगने के बाद में काफी यूनिक और काफी बढ़िया बन जाएगा और कलर होने के बाद तो बिल्कुल ही सुपर लगेगा। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कोई दरवाजा बनाना है या फिर ऐसा कोई डिजाइन आपके दिमाग में या फिर किस टाइप का एसएस में बनवाना है, अपोलो में बनवाना है, लोहे में बनवाना है, जिस टाइप में भी आपको दरवाजा बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर आप मैं कोटा राजस्थान से थोड़ी सी ही 50 किलोमीटर दूर रावत भटा क्षेत्र का नाम है वहां का हम रहने वाले हैं, अगर आपको इसी एरिया में या फिर कहीं पर राजस्थान में अगर आपको ऐसे गेट बनवाने हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हैं। हम एसएस के रेलिंग वगैरह लोहे से रिलेटेड सारा काम करते हैं। दोस्तों मैं कोटा राजस्थान के पास में रावतबटा क्षेत्र का रहने वाला हूं जो कि आपको सब लोहे के आइटम बनवा के बता सकता हूँ या फिर आपको इससे किस टाइप से बनवाने हैं सब कुछ। आपके पास अगर कोई डिजाइन हो तो आप नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर या फिर मेरा मेल आई डी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप मुझसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों ये ओनली 12,000 रुपए के रेंज में कंप्लीट दरवाजा हो जाएगा जो कि चैनल वगैरह शीट वगैरह सब लगकर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसका फोटो आपको थंबनेल पर देखने को मिल जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मैंने जो थंबनेल बनाया वहां पे इसका कंप्लीट फोटो लगा हुआ है और भी आपको काफी यूनिक ये डिजाइन बनने वाली है। कोई से भी रिलेटेड डिजाइन हो हम सब रिलेटेड डिजाइन बना देते हैं। दोस्तों काफी यूनिक दरवाजा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको बनाया है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर एक दरवाजे से या फिर मेन गेट से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके आप बता
सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक इट, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।